हेलो एवरी वन वेलकम टू आई एस टॉपर्स दिस इज द रैपिड रिविजन सीरीज ऑफ रिचार्ज आर्ट एंड कल्चर दिस इज रिचार्ज पार्ट टू एंड दिस इज नाइन्थ वीडियो इन द सीरीज़ तो फर्स्ट टॉपिक है पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़ उसमें फर्स्ट टॉपिक है दारा सिखो दारा सीखो वॉज द एल्डस्ट सन ऑफ मुगल एम्पर शाहजहान ओके okay, तो अभी हुआ क्या है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक सेवन मेंबर पैनल बनाया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो लोकेट करेंगे ग्रेव ऑफ मुगल प्रिंस दारा सिखो तो दारा सिखो है ही सेट टू बी बरीड समवेयर इन हुमायूं स्टॉम हुमायूं स्टॉम का है डली में तो ऐसा कहा जाता है कि दारा सिखों को हुमायूं स्टॉम में कहीं बरी किया गया है तो इसीलिए ये जो सेवन मेंबर टीम है ये उनकी ग्रेव को एग्जैक्टली exactly लोकेट करेंगे कि ये किस प्लेस पे है तो दारा सिखों के बारे में कुछ जान लेते हैं तो ये एल्डर सन थे शाहजहां के इनके तीन और भाई थे बोला जाता है कि ये लिबरल मुस्लिम थे और इनजेब भी इनके एक ब्रदर थे ठीक है तो एक लिबरल मुस्लिम थे और ये ग्रेटेस्ट फ्री थिंकर्स थे अपने टाइम के इन्होंने भगवद गीता को पर्शियन में ट्रांसलेट किया और भी फिफ्टी टू उपनिषद्स को भी ट्रांसलेट किया इन्होंने लिखा है मजमा उल बहरीन जिसका मीनिंग होता है कन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज ये कंपेरेटिव स्टडी है वेदांत और सूफीजम का ओके okay. इन्होंने थर्ड कैंपेन अगेंस्ट कांदार कांदार इज इन अफगानिस्तान उस पर भी पार्टिसिपेट किया था क्योंकि मुगल्स चाह रहे थे जो ये टेरिटरी है यहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस हो बट ये इसमें अनसक्सेसफुल हुए थे स्टिल ही वॉज ट्रस्ट वर्दी ऑफ एज फादर शाहजहाँ और शाहजहाँ चाहते थे कि उनके बाद उनके एम्पायर को दारा रूल करे बट जो उनकी फैमिली थी यहाँ पे पावर स्ट्रगल था स्पेशली औरंगजेब के बीच में तो औरंगजेब और फिर दारा सिखो के बीच में बहुत से बैटल्स होते हैं तो उसमें एक बैटल है बैटल ऑफ सामूगढ़ जो फॉर्ट हुआ था सिक्सटीन में तो इसमें दारा सिखो लॉस द वॉर ओके तो नेक्स्ट ईयर एक और बैटल होता है बैटल ऑफ देवराय तो इसमें भी दारा सिखो लॉस्ट द वॉर एंड आफ्टर ही ही लॉस्ट द वॉर ऑफ सक्सेशन अगेंस्ट औरंगजेब औरंगजेब किल्ड हिम ओके तो उनका हेड हिज हेड वाज कट ऑफ और जो उनका लोअर टॉर्सो था उसको कहीं हुमायूं स्टॉम में बरी कर दिया गया था इटालियन ट्रेवलर है निकोलो मनुकी उनके जो ट्रैवल अकाउंट है जिसका नाम है ट्रेवल्स ऑफ मनुखी उसमें भी जो इनका डेथ का डे है उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है ठीक है तो यहाँ से आपने ये समझना है कि ये जो बैटल्स हैं जैसे तो ये किससे रिलेटेड है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दारो सिखो ने मुगल आर्किटेक्चर कमीशन करवाए थे कुछ उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है टॉम्ब ऑफ़ हिज़ वाइफ नदीरा बेगम विच इज़ इन लाहौर पाकिस्तान श्राइन ऑफ मियाँ मीर इन लाहौर एंड दारो सिखो लाइब्रेरी विच इज़ इन डेली ओके तो अभी हुमायूं टॉम की बात बात आई थी तो उसके बारे में कुछ जान लेते हैं हुमायूं स्टॉम बिल्ट हुआ था 1570 में एंड इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट गार्डन टॉम इंडिया का नहीं ऑन इंडियन सब कंटिनेंट ठीक है अब गार्डन टॉम क्या होता है ये है हुमायूं टॉम के डेली में और ये इसका पार्ट नहीं है बट ये एक फोटो है चारबाग की ओके जो ये बोल रहे हैं गार्डन टॉम चारबाग क्या होता है ये फोर क्वाड्रेंट्स है गार्डन्स के वन टू थ्री फोर तो इस टाइप का जो गार्डन था ये इंडिया में फर्स्ट गार्डन ऐसा बना था और ये इधर बना था हुमायूं टॉम में ये जो टॉम था इसको कमीशन किया था हमायूंस फर्स्ट वाइफ एम्प्रेस बेगा बेगम हुमायूं टॉम था इसका जो आर्किटेक्चर था इसने इन्फ्लुएंस किया था बहुत सी बिल्डिंग्स को इंक्लूडिंग ताजमहल और इसको बोलते हैं डॉर्मिट्री ऑफ मुगल्स क्योंकि यहाँ पे मुगल फैमिलीज़ के 140 के ऊपर फैमिली मेंबर्स को जमा सॉरी uh, हुमायूं स्टॉम में बरी किया गया है ओके सो दिस इज़ अबाउट हुमायूं स्टॉम नेक्स्ट टॉपिक इज लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन वॉज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया बिटवीन 1899 नाइन्टी नाइन टू नाइनटीन ओके सो ही वॉज द यंगेस्ट रॉय वाइस रॉय ऑफ इंडिया इन एटीन एंड ही रिमेन इन इज ऑफिस इज रेजिंग नाइनटीन ओ 1905 तो अभी क्या हुआ ये क्यों न्यूज़ में है वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे जनवरी 2020 के आसपास उन्होंने एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट uh, दिया था लॉर्ड कर्जन फेमस हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए ओके okay? सो so, एक टेबल है बंगाल में तो जहाँ पे उन्होंने ये पार्टीशन के पेपर साइन किए थे तो उनको गवर्नर ने बोला था कि दिस टेबल इज आइकॉनिक तो इससे रिलेटेड वहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी तो डेट्स वाई ही वॉज इन न्यूज ही वॉज द सक्सेसर ऑफ लॉर्ड लेंसटाउन एंड फेमस फॉर पार्टीशन ऑफ बंगल जो हुआ था नाइनटीन ओ फाइव में ओके okay? सो so, और क्या कंट्रीब्यूशन हैं कर्जन के आ, ये कंट्रीब्यूशनस हैं कि, कि उन्होंने कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए इंडिया में जिसमें फर्स्ट है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था यूनिवर्सिटीज़ कमीशन इन नाइनटीन ओ टू और उसके बाद उन्होंने पास किया था इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ नाइनटीन ओ फोर तो जिसमें उन्होंने क्या किया था कि जितनी भी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आ गई थी इस एक्ट के बाद ओके okay? सेकेंड उन्होंने क्या किया था पुलिस एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स किए थे जिसके लिए उन्होंने एक पुलिस कमीशन इस्टेब्लिश किया था नाइनटीन में और उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग स्कूल सेटअप किए थे जो ऑफिसर्स और कॉन्स्टेबल्स दोनों को ट्रेनिंग देते हैं और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था प्रोविंशियल पुलिस सर्विस जो कि आईपीएस होता है तो उस टाइप के पहले प्रोविंसेस थे तो उस टाइप की सर्विसेज थी तो उन्होंने इस्टेबलिश किया था इम्पीरियल कैडेट कॉप आई सी सी जहाँ इंडियन आर्मी ऑफिसर्स थे वो वहाँ पर ट्रेन होते थे तो फर्स्ट इंडिया में इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स थे तो इनको इंडिया में ट्रेन करने के लिए ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट था और उन्होंने पास किया था कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट ये अगेंस्ट इंडियंस था और इसमें ब्रिटिश को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला था इन कलकत्ता कॉरपोरेशन ठीक है तो जिससे जो इंडियन मेंबर्स थे तो उनकी स्ट्रेंथ क्या हो गई थी रिड्यूस हो गई थी और ब्रिटिश के जो मेंबर्स थे इस कॉरपोरेशन में उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई थी तो ये एक्ट इंडिया के इंडियंस के अगेंस्ट था और उन्होंने एक और ये एक्ट पास किया था जो था एनशियट मोनूमेंट्स एक्ट 1904 में तो इस इस एक्ट के थ्रू क्या हो गया था कि जो भी इंडिया में हेरिटेज मोन्यूमेंट्स हैं एनशियंट मोनूमेंट्स हैं तो उनको प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने इसको मैंडेटरी बना दिया था गवर्नमेंट के लिए भी और लोकल अथॉरिटीज़ के लिए भी ठीक है कि आपको प्रिजर्व करना है मोन्यूमेंट्स और अगर उसका डिस्ट्रक्शन करना एक ऑफेंस होगा नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री एंड इवेंट्स तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है वर्ली आदिवासी रिवॉट जो कि हुआ था नाइनटीन में तो ये रिवॉल्ट कहाँ हुआ था ये रिवॉल्ट हुआ था जरी विलेज इन महाराष्ट्र इन नाइनटीन तो ये क्यों हुआ था ये रिवॉल्ट ये इसलिए हुआ था प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन फ्रॉम लैंड एंड मनी लैंडर्स तो ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट किया था ठीक है अगेंस्ट लैंड एंड मनी लैंडर्स टाइप का जो रिवॉल्ट था इट शोड सीड्स ऑफ राइट्स बेस्ड मूवमेंट जो ट्राइबल्स थे इनके अंदर राइट बेस्ड मूवमेंट का एक क्रांति लाए थे ओके और जो ये मूवमेंट था उसमें तो वुमेन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस रिवॉल्ट और जो उसमें जो प्रोमिनंट लीडर थी वुमेन लीडर वो यहाँ आप देख सकते हैं इमेज तो इनका नाम था गोदावरी परुलेकर जिनको गोडुडाई भी बोलते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए वल्ली आदिवासी रिवर्ट कहाँ हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था अच्छा ये वर्ली ट्राइब क्या होती है वल्ली ट्राइब एक ट्राइब्स है आदिवासीज हैं जो कि रहते हैं महाराष्ट्र मेनली महाराष्ट्र में बट वो गुजरात में भी रहते हैं इन कोस्टल एरियाज ओके तो ये बेसिकली कल्टिवेटर्स हैं तो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं दीज टाइप्स आर नेचर वर्शिपर्स और ये एनिमिस्ट थे एनिमिस्ट का मतलब होता है नेचर वर्शिप जो करते हैं बट अभी उन्होंने हिंदू बिलीफ एडॉप्ट कर लिया है जो जो इनकी लैंग्वेज है ये बोलते हैं वर्ली लैंग्वेज और इनकी जो स्क्रिप्ट है वो है अनरिटन ओके वर्ली लैंग्वेज बिलोंग करती है इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप को और वर्ली आर्ट जो कि आप इधर फिगर में देख सकते हैं ये बहुत पॉपुलर आर्ट फॉर्म है अमंग वर्ली ट्राइब तो ये यूज़ करते हैं इस टाइप की आर्ट फॉर्म होती है तो उसमें ये नेचर से काफ़ी क्लोज है तो ये नेचर के एलिमेंट्स या फिर जियोमेट्रिकल फिगर्स यहाँ पे यूज़ करते हैं इस टाइप के ओके तो वर्ली आर्ट फॉर्म इज रिलेटेड टू वर्ली ट्राइब्स जो कि मेनली एसोसिएटेड है महाराष्ट्र से नेक्स्ट टॉपिक है भीमा कोरेगांव बैटल जनवरी 1 2020 में 202 साल पूरे हो गए भीमा कोरेगांव बैटल को तो ये बैटल कब हुआ था ये बैटल हुआ था जनवरी वन एटीन में कहाँ पे भीमा कोरेगांव बैटल विलेज जो कि है पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ओके सो so, ये बैटल किसके बीच में हुआ था ये बैटल हुआ था बिटवीन पेशवा आर्मी एंड ब्रिटिश आर्मी तो अभी क्या हुआ था 2018 में कि वॉयेंट क्लैशेस हो गए थे बिटवीन दलित एंड मराठा ग्रुप्स इन महाराष्ट्र मतलब दलित और मराठास के बीच में वॉलेंट क्लैशेस हो गए थे अब ऐसा क्यों हुआ था क्योंकि ये बैटल दरअसल था तो पेशवा और ब्रिटिश के बीच में बट जो ब्रिटिश की आर्मी थी जो पेशवा की आर्मी थी उसमें था अपर कास्ट डोमिनेशन और जो जो ब्रिटिश की आर्मी थे वो कंप्राइज करते थे दलित सोल्जर्स अब दलित जो है माह उनको रिक्रूट नहीं करते थे पेशवास अपनी आर्मी में ठीक है तो इनडायरेक्टली हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो बैटल था वो डायरेक्टली पेशवास और दलित शोल्जर्स के बीच में था ओके बट इसमें क्या हुआ जिसका रिजल्ट था कि पेशवा आर्मी यहाँ पे डिफीट हो गई थी ठीक है तो दिस इज भीमा कोरेगांव बैटल तो इसका बैकग्राउंड क्या था इस बैटल का 1800 के आसपास क्या हो गया था जो मराठा एम्पायर था बहुत ज़्यादा वीकन हो गया था ठीक है वीकन क्या मतलब डिसइंटीग्रेट हो गया था इनटू वेरियस फ्रैक्शंस जो उसको जिसमें कुछ मेजर फ्रैक्शंस थे पेशवाज ऑफ पुणे शिंदेज होलगर्स गायकवाड्स पोस्टलेक् अभी एक डिस्प्यूट चल रहा था पेशवाज और गायकवाड्स के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग डिस्प्यूट तो उसमें ब्रिटिश इंटरफेयर करती है और उसके बाद जो पेशवाज़ होते हैं ठीक है बाजीराव सेकेंड ही वॉज द लास्ट पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर तो वो एक ट्रीटी साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ पुणे जिसे बोलते हैं एटीन में तो उस के तहत वो क्या करता है कि जो वो गायकवाड रेवेन्यू में जो उनका क्लेम था उसे वो रिनाउंस कर देते हैं छोड़ देते हैं प्लस उनको अपनी मेजर टेरिटरी देनी पड़ जाती है ब्रिटिश को और उसके बाद क्या होता है फिर धीरे धीरे सीरीज ऑफ़ इवेंट्स बढ़ता रहता है जो कलमिनेट होती है इन फॉर्म ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर मराठा और ब्रिटिश के बीच में तीन वॉर्स हुई हैं ये थर्ड मराठा एंग्लो वॉर जो है वो हुई है एटीन से लेकर एटीन के बीच में और जो ये बैटल ऑफ कोरेगांव है ये इसी वॉर का एक बैटल है ओके जो जनवरी एटीन में हुआ था ओके नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स तो इसमें टॉपिक है ए एस आई इज बैरिकेडिंग हम्पी टू प्रिवेंट वंडलिज्म तो आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये हम्पी का विठला टेंपल है ये रथ है यहाँ पे स्टोन चेरियट तो इसके आसपास क्या कर रही है ए एस आई वुडन बैरिकेड लगा रही है स्टोन चीरियड के आसपास इसे डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए ओके okay, तो अब जान लेते हैं विठला टेम्पल के बारे में तो विठल टेम्पल ये बिल्ट हुआ था ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग देवराय सेकेंड हु वॉज फ्रॉम विजयनगर एम्पायर ठीक है और जो टेम्पल के कुछ पोर्शन थे उनको इनहेंस किया था या फिर ब्यूटिफाई किया था बाय कृष्ण देवराय इन फिफ्टीन सेंचुरी जो ये टेम्पल है लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर के बारे में जानेंगे और ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड विठला जो कि इनकारनेशन है लॉर्ड विष्णु के तो ये टेम्पल बिल्ड है इन द डेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं टेम्पल के बारे में कुछ जो वो ये है एक है महामंडपा मंडपा का मतलब होता है हॉल तो मेन हॉल और ये इसका फेमस स्टोन चेरियट है चेट का मतलब होता है रथ तो इस टाइप के जो इंडिया में थ्री फेमस चेरियट टेम्पल हैं उसमें से पहला है कोनार्क सन टेम्पल कोनार्क विच इज़ विच इज इन उड़ीसा सेकेंड है शो टेम्पल महाबलीपुरम विच इज़ इन तमिलनाडु और थर्ड ये है ठीक है विठल टेम्पल विच इज़ इन हम्पी कर्नाटका सो so, और एक और चीज़ फेमस है इस टेम्पल के बारे में जो है रंग मंडप ठीक है मंडप मंडप एक ही चीज़ होती है तो जो रंग मंडप है इट इज़ रिमोट फॉर इस फिफ्टी सिक्स म्यूजिकल पिलर्स यहाँ के पिलर्स म्यूजिकल पिलर्स हैं विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था थर्टीन हंड्रेड थर्टी सिक्स ए में हरिहरा बुक्का ऑफ संगम डेनेस्टी तो विजयनगर एम्पायर का जो एक्सटेंड था ये है कृष्णा रिवर ओके ये कृष्णा रिवर के साउथ में से लेकर के एक्सट्रीम साउथ तक ठीक तो ये इसका एक्सटेंड था विजयनगर एम्पायर का आप यहाँ देख सकते हैं मैप में ये आ, जो ये एम्पायर था ये फोर फोर मेजर डायनेस्टीज को कम्प्राइज करता था उसमें थी संगम डायनेस्टी सलुवा डायनेस्टी तुलुवा डायनेस्टी और अराविडो डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर का, का कैपिटल था हम्पी और इसकी एक जो सबसे फेमस किंग रहे हैं वो रहे हैं किंग कृष्णदेव राय ही वॉज ऑफ तुलुवा डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर का जो डाउनफॉल uh, हुआ था डिक्लाइन हुआ था ये इनकी डेथ के बाद हुआ था आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय पर जो किंगडम इनका एंड हुआ था वो हुआ था 1565 एडी में ठीक है आफ्टर द बैटल ऑफ तल्लीकोट अब ये बैटल ऑफ तल्लीकोट किसके अगेंस्ट था ये विजयनगर एम्पायर के रूलर थे राम राय और डेकन सल्टेनेट के फोर रूलर्स थे फोर अलायंस थे जो कि था अहमदनगर सल्टेनेट बीजापुर सल्टेनेट गोलकंडा सल्टनेट और बिदार सल्टेनेट ओके okay? इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में जान चुके हैं टेकल सर्टिफिकेट के बारे में ये इनके रूलर्स के नाम है फेमस रूलर्स आफ्टर जब ये बैटल हुआ था इस बैटल के बाद क्या हुआ था कि राम राय हार गए थे और फिर इनका जो किंगडम था ब्यूटिफुल किंगडम हम्पी को डिस्ट्रक्ट कर दिया गया था और फिर जो विजयनगर एम्पायर था तो वो स्मॉल स्मॉल स्टेट्स में ब्रेक हो गया था ओके okay? अभी जिसका आर्किटेक्चर था तो वे तो एक कॉम्बिनेशन था चालुक्यन आर्किटेक्चर होयसालास पांड्याज एंड चोला स्टाइल्स का कॉम्बिनेशन था जो इनका बिल्डिंग मटेरियल था वो यूज़ करते थे लोकल हार्ट ग्रेनाइट और जो रिलीफ और स्कल्पचर्स थे उसके लिए यूज़ करते थे सोप स्टोन जिनके टेम्पल्स थे उनकी एक खास बात ये थी कि जो पिलर्स थे तो वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड थे और यहाँ पे राय गोपुरम्स थे इन्हें का मतलब ऐसे टावर्स जिसमें लाइफ साइज फिगर्स थे गॉड्स के और ये फेमस है लार्ज मोनोलिथिक स्टैचूज सिंगल स्टोन से बने हुए और इस्लाम का इन्फ्लुन्स भी दिखता है यहाँ के बिल्डिंग के आर्क डोम्स और वर्ल्ड्स में और विजयनगर स्कूल ऑफ पेंटिंग भी एक स्कूल ऑफ पेंटिंग है जो फेमस है किसके लिए अपने फ्रेस्कोस के लिए फ्रेस्कोस होता है एक टेक्निक ऑफ़ म्यूरल पेंटिंग तो फ्रेस्कोस बनते थे हिंदू गॉड्स और गॉडसेस जो विजयनगर स्कूल ऑफ पेंटिंग था आगे जाके ये और भी स्टाइल ऑफ पेंटिंग साउथ इंडिया में इवॉल्व हो जाता है जो जिसमें जिसमें दो प्रोमिनेंट है माइसूर स्कूल ऑफ पेंटिंग और तंजोर स्कूल ऑफ पेंटिंग इसके कुछ एग्जाम्पल हैं विजयनगर स्कूल ऑफ पेंटिंग के दसवतारा गिरिजा कल्याणा शिवपुराना मुरल्स तो बस आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि विजयनगर स्कूल ऑफ पेंटिंग किस चीज़ से रिलेटेड है ये फेस्कोस के लिए फेमस है नेक्स्ट टॉपिक इज कलारी पयट्टू तो केरला टूरिज्म की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसने सिक्स नए थीम बेस्ड माइक्रोसाइट्स लॉन्च किए हैं जिसमें जो रिलेटेड है आयुर्वेद योग कलारी पयट्टू टेम्पल्स ऑफ केरला जुदाइज एंड डिस्कवरिंग मालावार तो ये कलारी पैट्टू क्या होती है ये एक मार्शल आर्ट होती है जो अर्जिनेट हुई थी केरला में तो ये बहुत एंशियंट मार्शल आर्ट है जिसका ओरिजिन हमें दिखता है थर्ड सेंचुरी बीसी से लेके कर सेकेंड सेंचुरी एडी तक ये प्रैक्टिस होती है केरला में अभी भी प्रैक्टिस हो रही है और पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में ठीक है तो जो वर्ड कलारी है इट ऑल्सो अपियर्स इन तमिल संगम लिटरेचर ओके जिसका टाइम पीरियड था 300 हंड्रेड से लेके 300 हंड्रेड तक तो जो कलारी पर्यटू में जी जो ये वर्ड है तो ये डिस्क्राइब करता है बोथ बैटल फील्ड एंड कॉम्बैट एरिना ओके तो ये एक टाइप की मार्शल आर्ट है जिसे हम बोलते हैं कि दिस इज़ फादर ऑफ मॉडर्न कुम्फू जो कुम्फू आर्ट चाइना में प्रैक्टिस की जाती है तो इसमें जो भी वॉरियर्स होते थे इनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग फाइटिंग सिस्टम स्टिल एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड ओके सो आपको पता होना चाहिए कि कलारी बाइटू जो आ, पहले ये क्या है दिस टर्म इज़ मार्शल आर्ट और दूसरा ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है केरला साइड और ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है एक ड्राफ्ट नेशनल लिस्ट ऑफ़ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इन न्यू डेली ओके सो दिस इज़ पार्ट ऑफ विजन 2024 ट्वेंटी बाई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो ये लिस्ट है इसके फाइव ब्रॉड डोमेन्स हैं वो क्या डोमेन्स हैं इंस्पायर्ड बाई यूनेस्को इसके डोमेन्स हैं ओरल ट्रेडिशन्स सबसे पहले कल्चरल जो हेरीटेज होती है इंटेंजिबल कल्चरल हेरीटेज तो ये ऐसी कल्चरल हेरिटेज होती है जो किसी भी रीज़न की जो वहाँ का कल्चर है ठीक है तो जो वहाँ की डाइवर्सिटी है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है तो वो किस टाइप में हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है एज फॉर्म ऑफ एज फॉर्म ऑफ ट्रेडिशंस विच आर पास्ड ऑन ओरली ओके जिसका मतलब जिसमें लैंग्वेज भी इंक्लूड हो सकती है ठीक है एज फॉर्म ऑफ़ परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसके अंदर थिएटर भी हो सकता है ठीक है मार्शल आर्ट्स भी हो सकती है सोशल प्रैक्टिस हो सकती है रिचुअल्स फेस्टिव फेस्टिवल्स हो सकते हैं कोई भी ऐसा नॉलेज हो सकता है जो रिलेट करता है नेचर या यूनिवर्स के साथ या फिर कोई भी ऐसी क्राफ्टमैनशिप हो सकती है तो ये इसके डोमेन्स हैं तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को की एक लिस्ट है जैसे बोलते हैं यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर भी यही लिस्ट है जो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है कि इन जो ये हेरिटेज इसकी क्या अवेयरनेस है और ये स्टेब्लिश हुई थी टू में ठीक है तो इंडिया थर्टीन ऐसी जो हमारी हेरिटेज है कल्चरल हेरिटेज वो इसमें जो ये थर्टीन हेरिटेजेस हैं तो इसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि ये वर्ड किस चीज से रिलेटेड है जैसे एक वर्ड है कुटीअटम तो ये संस्कृत थिएटर है ठीक है और ये कौन से स्टेट से जो सिर्फ फर्स्ट है वो है कि दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चेंटिंग ठीक है वेदास चेंट करने का तरीका सेकेंड इज रामलीला नेक्स्ट इज कुट्टी कुट्टी कुट्टीअट्ट इज संस्कृत थिएटर इट इज फ्रॉम केरला फोर्थ इज रम्मांड रम्मांड इज़ अ थिएटर विच इज़ फ्रॉम गढ़वाल हिमालियाज़ उत्तराखंड एंड फिफ्थ इज मुडीअ इट इज़ ऑल्सो अ डांस ड्रामा फॉर्म या थिएटर फॉर्म ऑफ केरला फोर्थ इज़ कल्बेलिया फोल्क सॉन्ग्स एंड डांसिस ऑफ राजस्थान नेक्स्ट इज़ चाऊ डांस जो चाऊ डांस है ये प्रैक्टिस किया जाता है ओडिशा वेस्ट बंगाल झारखंड में नेक्स्ट इज़ बुद्धिस्ट चेंटिंग ऑफ लद्दाख रेसाइडेशन ऑफ सेक्रेट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन द हिमालयन रीजन लद्दाख रीजन में बेसिकली बुद्धिस्ट चैंटिंग ठीक है संकीर्तना रिचुअलिस्ट सिंगिंग एंड ड्रम एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर एंड ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग ऑफ पंजाब योगा नवरोज विच इज़ अ न्यू ईयर ऑफ पारसीज एंड कुंभ मेला ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू